उसे पकड़े हैं, थोड़े बताइए कौन है, किस तरीके से काम करते हैं। पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशों के क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस और खासकर जो हमारे सेंट्रल जोन की पुलिस है, जो लुटेरे और माफिया किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से बिसरख थाना क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं हुई, जो चैन छीनने का एक गिरोह काम कर रहा था, जिसके लिए बिसरख थाना पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही थी। और इसी क्रम में इन्होंने कुछ फुटेज प्राप्त किए थे, कुछ KTM बाइक्स के फुटेज मिले थे, जिसमें दो लड़के और कभी तीन लड़के भी उसमें बैठ करके मास्क और हेलमेट लगा करके इस क्षेत्र में आते हुए दिखे थे और घटना लगातार कर रहे थे। अभी इसी क्रम में इनके द्वारा जो है कल चेकिंग की जा रही थी, और उसी दौरान दो बदमाश KTM बाइक पर थे, और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागे वहाँ से और पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, और जवाबी फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उनके पास से दो तमंचा और 7 सोने की चेन, वो सोने की चेन आज बेचने की फिराक में वो इधर घूम रहे थे। और उसमें से एक अभियुक्त नौशाद है, ये इस गैंग का सरगना है, इसके ऊपर पहले से भी लूट और डकैती के कई मुकदमे हैं, और पूछताछ में भी पता चला कि हापुड़ से जो है इसे 10 लाख का इनामिया भी है, 10 हज़ार का इनामिया भी है, और वहाँ पे इसने एक लूट कारित की थी, इसमें एक आदमी का मर्डर भी किया था और वहाँ से लूटा था, और दिल्ली में भी एक लूट कर चुका था 25 लाख रुपये की लूट, और एक अन्य लूट की प्लान भी दिल्ली में कर रहा था, और हमारे यहाँ पे लगातार जो है चेन स्नैचिंग की वारदात कर रहा था। और इसका एक अन्य साथी भी था जिसका नाम सचिन है, ये मूलतः बाबू गढ़ापुर का रहने वाला है, और नौशाद जो है मूलतः जो है थाना फेस ममूरा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। इन्होंने अपने दो साथियों के बारे में और बताया था, जिसमें एक उनका जो साथी है प्रभात और अनश, प्रभात भी आज जो है पुलिस को चूँकि इनपुट था कि ये लोग अभी भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपाचे गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि कई फुटेज में अपाचे गाड़ी के साथ देखे गए थे, और आज भी चेकिंग लगाई गई थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, एक गाड़ी में दो लोग सवार थे, और उसने जो है भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ में फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें से एक अभियुक्त जो है मेन प्रभात कुमार, जो मूलतः बागपत का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, और इसका एक अन्य साथी अनस फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इनके पास से भी 3 चैन और 1 तमंचा बरामद हुआ है, और एक बाइक चोरी की बाइक है अपाचे गाजियाबाद में, इससे चोरी किए हैं, और एक अन्य बाइक जो कल मिली थी वो भी KTM बाइक थी, वो भी चोरी की बाइक थी। इनका मुख्य जो काम था, ये पहले बाइक चोरी करते थे, उसी बाइक को चोरी करके और ये घटना में उसको घटना को अंजाम देते थे।